स्थानांतरण के खिलाफ में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। वर्षों से संचालित ग्रामीण बैंक किसी अन्य जगह पर स्थानांतरण होने पर ग्रामवासियों ने बैंक मैनेजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये पूरा मामला मुंगेली जिला के कंतेली ग्रामीण बैंक का है, जहां नया मैनेजर के पदभार होने पर वर्षों से संचालित बैंक को बेतुकी फरमान जारी करते हुए बैंक को दूसरे स्थान बोधापारा ले जाने के फैसले को कंतेली के ग्रामीणों ने विरोध करते हुए यथा स्थान रखने के लिए जिला कलेक्टर और बैंक प्रबंधन को आवेदन दिया गया था, किंतु आवेदन को दरकिनार करते हुए दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने के विरोध में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बैंक का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि महज 2200 रुपए के किराए में ही चलते आ रहे हैं, जिसे छोड़कर मैनेजर के द्वारा मनमानी करते हुए दूसरे मकान मालिक से मिली भगत कर 7000 प्रतिमाह के किराए में जाने को तैयार हैं। यदि मैनेजर के द्वारा मनमानी की जाती है तो ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन के साथ चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं। दूसरे जगह स्थानांतरण होने की तैयारी में है, इसलिए हम ग्रामीण लोगों अपने ग्राम वासियों को जानकारी हुआ कि हमारा ये 35-40 वर्षों से यथावत जो बैंक अचानक बोधा मारा जा रहा है, किस कारण से जा रहा है, असुविधा कारण जा रहा है कि कुछ भी कारण से, यदि असुविधा के कारण जा रहा है तो मकान मालिक से चर्चा कर ले, उसके बाद असुविधा के जगह नहीं देंगे तो दूसरे जगह हम लोग जगह देने के लिए तैयार है। यदि हम लोग आवेदन दिए प्रबंधक साहब को तो मैं कुछ नहीं जानता, ये जानकारी हम लोग कल दी बोले, तो हमारा ये उद्देश्य है अचानक बैंक उठ के बोधा पारा न जाए, यथावत कंतेली में रहे। तो अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिए गए और क्या कार्रवाई करेंगे? अधिकारी लोग अभी बोल रहे हैं जो 26 तारीख वाला जो मैटर है उसी के बस बोल रहे हैं कि नहीं जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, यदि होता है 27 के बाद में और चर्चा करेंगे कि अचानक वो लोग अपना बोधा पारा छान कर रहे हैं, तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। क्या नाम है आपका? अश्वनी चंद्राकर, पूर्व सरपंच कंतेली। तो वही बैंक संचालित मकान मालिक का कहना है जो भी मकान में खामियां हैं बताएं, एक हफ्ते में पूरा करने की बात कही गई है। के मोर मकान में किराया कम हवा 2200 रुपए देता, तब कम से 2200 रुपए 6000 कर दे बोले, तो आज तक वो नहीं बोले, मतलब जवाब कुछ नहीं दिए है, और सामने वाले बोला पारा हम जाके वो 7000 दिए थे। कितने दिन से संचाल हो गए अभी क्या चाह रहे हैं आप? ये यथा यही रहे और जो कमी है उसको बताए तब मैं उसको व्यवस्था कर सकता हूँ, और शाखा प्रबंधक को बोला था जो पीछे में खाली जगह पड़ा है उसको भी मैं बनवा कर दे दूंगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार यादव। फिर भी दूसरी जगह जाना कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। यही नहीं, इस बैंक में 10 वर्षों से सेवा देते आ रहे चपरासी को बगैर गलती और अल्टीमेटम दिए ही निकाल दिया गया, जिससे गरीब बेरोजगार चपरासी के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्राम सेवा कर रहा था और अनेकों ब्रांच मैनेजर के साथ में कार्य किया, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं बताया गया सर जी, और हमारे तत्कालीन ब्रांच मैनेजर जो आया उसे मुझे बिना अल्टीमेटम दिए गए सप्ताह के अंदर मुझे हटा दिया गया है, और मेरे ये छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, टूटी फूटी घर है, मेरे आय का कोई साधन नहीं है सर, इस कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान कर लीजिए। अधिकारी तो सर ब्रांच के अंदर आने के लिए मना ही करते हैं, मत आओ मत आओ बोलते हैं सर, कुछ बात करने के लिए मत राजी नहीं होते हैं सर, मेरे अपने बच्चों को लेकर उनके रूम में भी गया था जहाँ मुंगेली किराए में रहते हैं, वहाँ भी मेरी बूढ़ी माँ है, ये बच्चे लोग भी गए थे, तो उसको भी हटो हटो मत आओ मैं बात नहीं करना चाहता हूँ करके भगा दिए सर। वही ग्रामीण बैंक मैनेजर का कहना है 26000 बैंक खाता धारियों के मैनेजमेंट के हिसाब से निर्णय लिया गया है कि जो महज 1 किलोमीटर दूरी बोधा पारा में ही जा रहे हैं और बैंक का नाम भी ग्रामीण बैंक कंतेली के नाम से रहने के लक्ष्यदार बात पर ग्रामीणों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये बोल दीजिए सर कि जो अभी क्या निर्णय हुए हैं? ठीक है, अगर मान लो आप लोगों की इच्छा नहीं रहेगी, बैंक हमारा किसी का नहीं है, आप लोगों का है जी सर, आप लोगों की इच्छा नहीं रहेगी तो नहीं जाएगी देखो, आप इसी मकान में रहना चाहिए, यही पर रहना चाहिए, यही पर रहना चाहिए, एक मकान देख लो कहीं पर, कहीं मिला नहीं मकान हमको जो अच्छा लगा, देख लीजिए भैया
तो बोधा पारा करना चिन्हांकित मुंगेली चिन्हांकित करना चाहिए सर, ये तो नहीं है बोधा पारा बस। नहीं नहीं बोधा पारा बस में मकान तो। वही इस संबंध में मीडिया की जानकारी मांगने पर आवेश में आकर दो टूक जवाब देते हुए जो छापना हो छाप दो कहते हुए कैमरे के सामने से आने से बचते रहे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि बैंक प्रबंधन अपने निर्णय पर बैंक स्थानांतरित करती है या ग्रामीणों की मांग पर यथा स्थान में रहती है, यह तो बैंक प्रबंधन के विवेक पर निर्भर करता है। कंतेली लोरमी मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।